कहीं नजर ना लगे, कहीं नजर ना लगे, टच वुड, टच वुड, कहीं नजर ना लगे, कहीं नजर ना लगे, टच वुड, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, कम बट में, कम बट में, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, कम बट में, कम बट में, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, कम बट में, कम बट में, चाहे जो हो जाए मैं इंग्लिश सीखूंगा, चाहे जो हो जाए मैं इंग्लिश सीखूंगा, कम्फर्ट में आई विल लर्न इंग्लिश, कम्फर्ट में आई विल लर्न इंग्लिश, चाहे जो हो जाए मैं किसी को नहीं बताऊंगा, चाहे जो हो जाए मैं किसी को नहीं बताऊंगा, कम्फर्ट में आई विल नॉट टेल एनीवन, कम्फर्ट में आई विल नॉट टेल एनीवन, चाहे जो हो जाए मैं वहां नहीं जाऊंगा, चाहे जो हो जाए मैं वहां नहीं जाऊंगा, कम्फर्ट में आई विल नॉट गो देयर, कम्फर्ट में आई विल नॉट गो देयर, संभल कर, वॉच आउट, वॉच आउट, जैसे कोई बस आ गई और हम कह रहे भाई संभल के ध्यान से, उस टाइम बोलते हैं वॉच आउट, ठीक है, वॉच आउट, तो संभल कर, वॉच आउट, संभल कर, वॉच आउट, संभल कर, बस आ रही है, संभल कर, बस आ रही है, वॉच आउट द बस इज कमिंग, वॉच आउट द बस इज कमिंग, संभल कर ट्रक आ रहा है, संभल कर ट्रक आ रहा है, वॉच आउट द ट्रक इज कमिंग, वॉच आउट द ट्रक इज कमिंग, क्या बकवास है, क्या बकवास, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है, क्या बकवास है, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस, ये क्या बकवास है, ये क्या बकवास, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, चलो जाने दो, चलो जाने दो, छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, लेट इट बी, लेट इट बी, छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, जाने दो, जाने दो, चलो जाने दो, चलो जाने दो, लेट इट बी, लेट इट बी, और यू कैन आल्सो से लेट इट गो, जैसे किसी लड़ाई होगी, बहस होगी, हम बोलते हैं अच्छा यार छोड़ना, तो मैं लेट इट बी, ठीक है, तो चलो जाने दो, लेट इट बी, बात है, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, व्हाट्स द मैटर, तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर गुड फॉर नथिंग, वो किसी काम का नहीं है, ही इज गुड फॉर नथिंग, वो किसी काम की नहीं है, शी इज गुड फॉर नथिंग, तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर गुड फॉर नथिंग, संभल कर चलो, माइंड योर स्टेप्स, अब हमने एक चीज़ किया था, कोई बंदा अगर गाली दे रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, अपनी जुबान पर लगाम दो, है ना, तो बोलते हैं माइंड योर टंग, माइंड योर टंग और माइंड योर लैंग्वेज, दो था, तो वैसे ही माइंड योर स्टेप्स, चल रहा है कोई ध्यान से, हम कह रहे हैं भाई संभल कर चलो, माइंड योर स्टेप्स, तो संभल कर चलो, माइंड योर स्टेप्स, आगे गड्ढा है, देयर इज अ पिट अहेड, पिट मतलब गड्ढा, ठीक है, और अहेड मतलब आगे, अगर मैं ये बोलूँ अ पिट इज अहेड तो हो जाएगा गड्ढा आगे है, ठीक है, और एक कह रहे हैं आगे गड्ढा है, अंतर है दोनों की ट्रांसलेशन में, तो आगे गड्ढा है, आगे गड्ढा है, देयर इज अ पिट अहेड, आगे गड्ढा है, देर इज अ पिट अहेड, दो दिन बीत गए या दो दिन हो गए, टू डेज पास्ड बाय, दो दिन हो गए, टू डेज पास्ड बाय, पास बाय का मतलब बगल से गुजर जाना, है ना, यही याद किया था, बगल से गुजरना पास बाय, और पास अवे का मतलब देहांत होना, तो दो दिन पास बाय, यानी कि निकल गए पास से अपने, तो दो दिन बीत गए, टू डेज पास्ड बाय, एक महीना बीत गया, एक महीना बीत गया, वन मंथ पास्ड बाय, एक साल बीत गया, वन ईयर पास्ड बाय, पाँच मिनट बीत गए, फाइव मिनट्स पास्ड बाय, ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ओके, पालथी मार कर बैठो, पालथी मार कर बैठो, सिट क्रॉस लेग्ड, पालथी मार के बैठो, सिट क्रॉस लेग्ड, पालथी मार कर बैठो, सिट क्रॉस लेग्ड, तुमने सही सुना, यू हर्ड इट राइट, तुमने सही सुना, यू हर्ड इट राइट, तुमने गलत सुना,
यू हर्ड इट रॉन्ग, तुमने गलत सुना. यू हर्ड इट रॉन्ग, तुमने सही सुना. यू हर्ड इट राइट. अब मैं कोई चीज़ दिखा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये देखो, तो बोलूँगा टेक अ लुक, टेक अ लुक. और भी बोल सकते हो हैव अ लुक, ठीक है. और अगर और थोड़ा सा बड़ा करना है, टेक अ लुक एट इट, टेक अ लुक एट इट, ठीक है. टेक अ लुक एट इट मतलब ये देखो, इसको देखो. तो हम कह रहे हैं ये देखो, टेक अ लुक, ठीक. और या फिर हैव अ लुक, तो ये देखो, टेक अ लुक, ये देखो, टेक अ लुक. वह निकम्मा है, ही इज वर्थलेस. अगर बोलें कि वो एक निकम्मा इंसान है तो ही इज अ वर्थलेस पर्सन, मैन या फेलो. ये जो वर्थ है ना, उसमें आता है कि कोई चीज़ आप ले रहे हो, उसमें आता है इतने रुपीज़ वर्थ फ्री. वर्थ मतलब होती है कीमत, वर्थ मतलब, ठीक है, प्राइस, कीमत. और वर्थलेस जिसकी कीमत ही नहीं है. और निकम्मा कौन होता है, जिसके कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई समझता ही नहीं कुछ. तो वह निकम्मा है, ही इज़ वर्थलेस. वह निकम्मा है, ही इज़ वर्थलेस. वह निकम्मा है, ही इज़ वर्थलेस. यह तुक्का था, इट वॉज अ शॉट इन द डार्क. शॉट समझते हो ना, किसी ने अंधेरे में चला दी गोली तो क्या हुआ, तो इसका मतलब तुक्का ही मार रहा है. तो क्या बोलेंगे, इट वॉज अ शॉट इन द डार्क. और अगर ये बोलना हो तुक्का मत मार, तो क्या बोलोगे, डोंट शूट इन द डार्क, डोंट शूट इन द डार्क, ठीक है. तो यह तुक्का था, इट वॉज अ शॉट इन द डार्क. यह तुक्का था, इट वॉज अ शॉट इन द डार्क. यह तुक्का नहीं था, इट वॉज नॉट अ शॉट इन द डार्क. ये तुक्का नहीं था, इट वॉज नॉट अ शॉट इन द डार्क. अब कहीं नजर ना लगे, टचवुड, चाहे जो हो जाए, कमवट में संभल कर, वॉच आउट. क्या बकवास है, व्हाट नॉनसेंस. चलो जाने दो, लेट इट बी. क्या बात है, व्हाट्स द मैटर. तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर गुड फॉर नथिंग. संभल कर चलो, माइंड योर स्टेप्स. आगे गड्ढा है, देर इज अ पिट अहेड. दो दिन बीत गए, टू डेज पास्ड बाय. पालथी मार कर बैठो, सिट क्रॉस लेग्ड. तुमने सही सुना, यू हर्ड इट राइट. ये देखो, टेक अ लुक, वह निकम्मा है, ही इज वर्थलेस. यह तुक्का था, इट वॉज अ शॉट इन द डार्क. अब यहाँ तक आ गया समझ में. अब इसमें बोलने से क्या होता है, जब तुम पढ़ते हो ना, तो तुम्हारी आईज, ये जो सेंसेस है, पांच इंद्रियां होती हैं, पता है कौन कौन सी होती हैं, पांच इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं. पांच कर्म इंद्रियां होती है, पांच ज्ञान इंद्रियां, मतलब पांच ऐसी इंद्रियां जिनसे ज्ञान मिलता है, पांच ऐसी इंद्रियां जिनसे कर्म होता है. तो मुझे ज्ञान वाली बताओ. आँख, ठीक है. अब देख के ही बताओगे ना पंखा है कि क्या है, सुन के तो नहीं बोल सकते पंखा है, नहीं ना. अब कोई जानवर है, पक्षी है, कुत्ता है, बिल्ली है, किससे पता चलेगा, कान से, देख के आँख से और सुन के, ठीक है. आँख बंद कर दी जाए और बोले कुत्ते की आवाज़ आ रही, क्या पहचानोगे, तो इसका मतलब ये दूसरी इंद्री ने काम किया. तीसरी इंद्री स्मेल. अब अच्छी खुशबू है, बुरी खुशबू है, कैसे पता चलेगा, स्मेल से. तीसरी इंद्री हमारी. अब मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कैसा है, जीभ से, टंग से पता चलेगा. ये चौथी इंद्री. और उसके बाद प्लेन है, खुरदरा है, गर्म है, ठंडा है, कैसे पता चलेगा, टच करने से ना. तो कौन कौन सी हुई, हीयर सुनना, सी देखना, स्मेल, ठीक है, सूंघना, और टेस्ट चखना, और
स्पर्श करना, टच, ये पांच इंद्रियां, इनसे नॉलेज मिलते हैं। अभी तुम जो वर्ड सुन रहे थे, अभी तुम देख भी रहे हो इनको, ठीक है, देखने से तुम्हारी ये एक्टिवेट हो रखी हैं, सुन भी रहे हो। अब सुनने से क्या होगा, ये भी एक्टिवेट हो गए। अगर सिर्फ बस लिखा और याद कर लिया, इसका मतलब तुम्हारी एक इंद्री ने काम किया, दूसरी ने नहीं काम किया। जब दो दो तीन तीन और पांचों इंद्रियां अगर यूज़ हो जाए ना, तो बहुत ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है।